गांव की नीति की शादी शहर में अंश से होती है। वो दिखने में बहुत सुंदर, पढ़ा लिखा और स्मार्ट था। वो नीति को हमेशा समझाता कि वो शहर की लड़कियों के हिसाब से रहे, वरना वो उसे छोड़ देगा। लेकिन नीति का जीवन अपने ही तरीके से चल रहा था। नीति, तैयार हो जाओ, हम लोगों को बाजार जाना है। क्या माँ, तैयार ही नहीं है वो? नीली सलवार में पीली कमीज पर हरा दुपट्टा, पता नहीं कैसे कैसे ड्रेसिंग सेंस होता है लोगों का। लोग नहीं है वो, बीवी है तेरी, पसंद थी तुझे तभी शादी की। और कमी ही क्या है, अच्छा बनाती है, अच्छा पकाती है। हाँ माँ, पकाती तो अच्छा है। दरअसल अंश हमेशा अपनी गांव की बीवी का मजाक बनाता। नीति पैसे वाली थी, उसके पिता ने नीति और अंश को शहर में रहने को घर दिलाया था, जिसके कारण ही अंश ने नीति से शादी की थी। लेकिन अब उसे गांव की लड़की पसंद नहीं आ रही थी। अरे यार, घर तो मैं बाद में भी बना लेता, लालच करके ही फंस गया। नीति समझ जाती कि उसके पति का उसके साथ मन नहीं लग रहा है। देखिए जी, बोलते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि पागल है, समझे? और जो ये कपड़ा कपड़ा किए जाते हैं ना, सब जानते हैं हम कि क्या पहनना है और क्या नहीं। और जो नहीं पसंद आ रहे हैं ना, तो छोड़ दो, कल ही अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और पकड़ लो किराए के घर का रास्ता, समझे? अरे ओ बहुरिया, पगला गई हो क्या? मजाक कर रहा है अंश। वो क्या है ना, जरा तड़कती भड़कती लड़कियां पसंद करता है वो बचपन से ही। अरे क्यों नहीं बोलते हो अंश के बापू? हाँ हाँ बिटिया, वो तो कईयों बार अपनी माँ से बोलता था कि जाओ, वो क्या कहते हैं, हाफ पेंट हाफ पेंटवा पहन कर आओ। हाँ। नीति के सास ससुर समझते थे कि अगर उसने उन लोगों को पिता के दिए घर से निकाल दिया, तो उन लोगों के पास शहर में रहने के लिए कोई छत नहीं रह जाएगी। वो समझ नहीं पाते हैं। देखो अंश बेटा, बता दे रहे हैं, अब हो गई है हमको शहर की आदत, समझे? का समझे कि नहीं समझे, तो साफ साफ बताए देते हैं, हम तो ना जाएंगे गांव तुम्हारी दादी के पास। जो मर्जी करना है करो, हम तो ना रहेंगे इस गवार औरत के साथ, भले ही हमको स्टेशन पे काहे ना सोना पड़े। नीति की सास को लगता है कि बेटा बिना बात का इमोशनल हो रहा है। वो नहीं समझ पाती है कि कैसे वो घर को दोबारा से बसाए। बहुत सोच विचार के बाद उसके मन में एक आइडिया आ ही जाता है। नीति बिटिया, एगो बात कहनी थी, बुरा नहीं मानोगी ना? देखिए सासुमा, माथा तो वैसे गर्म है, लेकिन काम पते की होगी और कायदे की तो विचार कर लेंगे। देख बिटिया, अब तो जो है तू ही है हम लोगन खातिर, क्यों बहू बनाकर लाए थे मानते हैं, लेकिन बिटिया अब तो इस शहर में तू ही सहारा है, हम ना जाएंगे अंश के साथ कहीं भी। नीति का दिमाग खराब हो जाता है, वो गुस्सा हो जाती है। बस बस, यही सुनना रह गया था, शादी की हमसे, और बस इसलिए उन नालायक पति हमको छोड़कर जा रहा है क्योंकि हमको कपड़ा पहनने का सहूर नहीं है ना? अब देखो देखो, घर में ही कैसे फैशन चैनल ना शुरू कर दिए, तो पापा हमारे विधायक हैं, मकान दिला सकते हैं तो टेलर भी बिठा सकते हैं। अंश के सर पर तो हाई फाई सी किसी मॉडल का भूत सवार था। वो गांव की प्यारी सी नीति को छोड़कर चला जाता है, लेकिन साथ में उसके माता पिता नहीं जाते। नीति हमेशा की तरह माता पिता की सेवा करती है, उनको खिलाती पिलाती और अपना बहू होने का धर्म निभाती। लेकिन एक दिन नीति के पास उसकी गांव की सहेली आती है। अरे कुलिया, तू तो बिल्कुल ही बदल गई रे, ये जीन्स टाई टॉप, काजी हीरोइन बन गई हो क्या? पति के लिए खुद को बदल देगी क्या? तो बुराई क्या है, पति के लिए फैशन नहीं करूंगी तो क्या पड़ोसी के लिए करूंगी। नीति को समझ आ जाता है कि उसकी सहेली ने उसे जाने अनजाने में ये बता दिया कि थोड़ा सा खुद को बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। नीति तुरंत सहेली से फैशन के 2-3 टिप्स लेती है और लग जाती है खुद को फिट करने में। अगले दिन नीति योगा मैट लेकर, माँ जी
मैं जिम करने जा रही हूँ। जिम करने? वाह नीति, इससे तो तू फिट हो जाएगी बिल्कुल कटरीना कैफ की तरह। अब नीति खुद पर खूब ध्यान देती, डांस करती, जिम जाती और दिन भर फैशन की किताबें देखती। नीति बिटिया, भूख लगी है, कुछ खाना बनाया है? अरे खाना वाला नहीं बनेगा हमसे, कल ही सर्जरी कराए हैं मोटी नाक को पतला करने की। अगले महीने होंठ को मोटा करेंगे और फिर बाल का एक्सटेंशन। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन फिर तो तुम्हें कोई पहचान ही नहीं पाएगा। अरे तो ना पहचाने, कौन सा पहचान कर ऑटोग्राफ के लिए भागते हैं। हाँ, बहू अपना हुलिया सर्जरी और पार्लर से बदल देती है। महंगी मैगजीन से बड़े बड़े डिजाइनर के कपड़े पहनकर एक रोज वो कहीं जा रही होती है कि सामने से उसे अंश आता दिखाई देता है। अरे ये तो अंश है, अब इसे अपने जाल में फंसाती हूँ। अंश भी नीति को देखकर पहचान नहीं पाता है। हाय रे, क्या बला की खूबसूरत है ये, और एक वो गवार थी मेरी बीवी। नीति और अंश आमने सामने आते हैं, जहाँ नीति अंश को देखकर हंसती है। हाय रे, तुम तो बिल्कुल ऐसे हंसती हो, ऐसे हंसती हो, ऐसे हंसती हो जैसे जैसे कि तुम्हारी बीवी। क्यों? अंश नीति को ध्यान से देखता है और कहता है, हाँ हाँ जी हाँ, सही बोल रही हो हुस्न परी, लेकिन कभी मैंने इतने ध्यान से उस गवार का चेहरा देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम मेरा चेहरा देख लो, मैं पसंद हूँ तुमको। पसंद? अरे इतनी पसंद हो कि मैं अभी शादी कर सकता हूँ तुमसे। अच्छा, लेकिन तुम तो शादीशुदा लगते हो। अरे हाँ, लेकिन कहाँ वो गवार और कहाँ तुम शहर की मॉडर्न हीरोइन। लेकिन अगर फिर कल को कोई मुझसे भी अच्छी मिल गई तो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, वादा। नीति अंश को फिर सारी बात बताती है और कहती है, मैं भले ही दिखने में गवार थी, लेकिन पति होने के नाते आपका फर्ज था कि आप मुझे सवरने में मदद करते। अब मन तो नहीं है कि मैं खुद को बदल कर आपको एक्सेप्ट करूं, लेकिन मुझे माफ कर दो नीति, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मालती ने अपनी पसंद से अपने बेटे रमन की शादी मेघा से करवाई थी, पर तब उसे कहाँ पता था कि मेघा को मेकअप करने का अलग ही शौक है। बहू, अरे ओ बहू, कब से चिल्ला रही हूँ, मुझे मेरी चाय दे दो। आ रही हूँ मम्मी जी। मालती काफी देर इंतजार कर रही थी और फिर वो गुस्से से उठी और मेघा के कमरे में गई तो उसने देखा कि मेघा वहाँ मेकअप करने में बिजी थी। तभी मैं सोचूं महारानी के कान में जू क्यों नहीं रेंग रही। मैं बस आ ही रही थी माँ जी, हो गया मेरा। पिछले एक घंटे से मैं चाय के लिए चिल्ला रही हूँ और तू यहाँ मेकअप कर रही है। वो मम्मी जी, जैसे आपको सुबह सुबह आपकी चाय चाहिए, वैसे ही मुझे सुबह सुबह अपना मेकअप करना होता है। आई बड़ी हीरोइन, सुबह सुबह मेकअप करना है, अगर मेरे घर में रहना है तो मेरी सुननी होगी, यहाँ तुझे मेरे तौर तरीके से रहना होगा। मम्मी जी, आप क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी रहती हैं? मैं घर का सारा काम तो करती हूँ ना, तो आपको मेरे मेकअप से क्या प्रॉब्लम है? मुझे तेरे मेकअप से नहीं, तुझसे प्रॉब्लम है। क्या सोचा था कि रमन की पत्नी रमन का और घर का अच्छे से ख्याल रखेगी, मुझे क्या पता था कि तू ऐसे सारा दिन आईने के सामने लिपस्टिक लगाती रहेगी। इतना मेकअप करके तुझे कौन सा हीरोइन बनना है, थोड़ा समय पूजा पाठ में लगाएगी तो घर का भला ही होगा। आप तो सारा समय पूजा पाठ करती हो, कौन सा भला हुआ इस घर का, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। इस तरह अक्सर मेघा और मालती का मेकअप को लेकर झगड़ा हुआ करता था। एक दिन की बात है, आज हमें मेरी सहेली के यहाँ जाना है, जल्दी तैयार हो जाना। जी मम्मी जी। मेघा अपना मेकअप करने में लग गई और वहाँ मालती और रमन उसका इंतजार कर रहे थे। एक काम कर बेटा, तब तक मेरे लिए एक चाय बना ले। ठीक है माँ, मुझे भी चाय की जरूरत है। कुछ देर बाद रमन चाय लेकर आया और दोनों माँ बेटे चाय पी रहे थे। दो घंटे हो गए, कब खत्म होगा तेरी बीवी का ये श्रृंगार? क्या पता माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ।
तभी मेघा हैवी मेकअप करके बंठन कर आई। मैं रेडी हूँ। ये क्या, आप लोग इतनी देर से चाय पी रहे हैं? रमन और मालती ने एक दूसरे को देखा। इतना ज्यादा मेकअप करने की क्या जरूरत है? वहाँ क्या तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं? मम्मी जी, आप मेरे मेकअप के बारे में ना ही बोलें तो अच्छा है। क्यों ना बोलूं? सास बहू फिर से लड़ पड़ी। शांत, दोनों चुप बैठो। आंटी के यहाँ जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? या खाना अपने घर ही खाना है? चलिए चलते हैं। वो लोग मालती की सहेली शांति के घर पहुँचे। मेघा और रमन ने उनके पैर छुए। जुग जुग जियो, तुम लोग किसी की शादी में गए थे क्या? नहीं तो, तो बहू ने इतना मेकअप क्यों किया है? वो आंटी, मुझे मेकअप पसंद है इसलिए। शांति ने मालती की ओर देखा और बोला, अच्छा है अच्छा है। मालती को मेघा पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर उसने वहाँ कुछ नहीं किया। जब वो लोग घर पहुँचे तो मालती मेघा पर बरस पड़ी। चैन मिल गया मेरी बेइज्जती करवा के? मैंने कौन सी आपकी बेइज्जती की? शांति क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि मैंने कैसी बहू ढूंढी है अपने बेटे के लिए? जैसे भी हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ। और भला अगर मैं अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मेकअप करती हूँ तो आपको उससे प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, तुझे होगी। ये जो मेकअप है ना, एक दिन तेरा पूरा चेहरा खराब कर देगा, देख लेना। आप मेरी सुंदरता से जलती हैं। इतना बोलकर मेघा अपने कमरे में चली गई। मेघा को नए नए मेकअप खरीद कर लगाने का बहुत शौक था। एक दिन मालती मेघा के कमरे में आई तो उसने देखा कि पूरा कमरा मेकअप की चीजों से भरा पड़ा है। हे राम, ये सब क्या है? ये सब मेरे मेकअप का सामान है। इतने पैसे अगर तूने जमा किए होते ना, तो आज तू लखपति होती। लखपति? मुझे नहीं बनना लखपति। हाँ, तुझे तो तेरा मेकअप ही प्यारा है ना। इसी तरह अक्सर मेघा और मालती मेकअप को लेकर झगड़ते रहते। कुछ दिनों बाद जब मेघा ने अपना चेहरा आईने में देखा तो उसे एक बॉयल दिखा। अरे बाप रे, क्रीम लगाती हूँ। मेघा ने उस बॉयल को छुपाने के लिए उस पर क्रीम लगाया और ज्यादा मेकअप कर लिया। अगले दिन जब मेघा ने अपना चेहरा देखा तो सारे चेहरे पर बॉयल्स ही बॉयल्स थे। मेरा चेहरा, हे भगवान। मेघा का रोना सुनकर मालती उसके कमरे में आई। अच्छा हुआ तेरे साथ यही होना चाहिए था। मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। मम्मी जी, मेरी मदद करिए। मैं ना कहती थी कि इतना मेकअप मत लगा, तब तो तूने मेरी नहीं सुनी। मैं आपकी सब बातें सुनूंगी। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं तेरी हेल्प करूंगी, पर तुझे मुझे एक वादा करना होगा। बोल, मंजूर है? कैसा वादा? यही कि आज के बाद तू मेकअप की किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाएगी। मेघा उलझन में फंस गई। फिर उसने अपना चेहरा आईने में देखा और बोला, मंजूर है। ये हुई ना बात। मालती किचन में गई और सिलबट्टे पे हल्दी पीसने लगी। वो हल्दी लेकर मालती मेघा के पास गई। ये दो तीन बार अपने चेहरे पे लगा, सारे दाने चले जाएंगे। मेघा ने वो हल्दी अपने पूरे चेहरे पर लगा लिया। जब मेघा ने हल्दी धोया तो लगभग सारे बॉयल्स जा चुके थे। आप तो जीनियस हो मम्मी जी, मेरे तो सारे बॉयल्स चले गए। थैंक यू मम्मी जी। अपना वादा याद रखना। मेघा ने अपने मेकअप का सामान डस्टबिन में डाल दिया। आज से मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करूंगी। ये हुई ना बात। आखिर मालती ने अपनी मेकअप वाली बहू को सुधार ही दी।